भाई राम राम, स्वागत है आज एक और वीडियो में। तो भाई कल के वीडियो में आपने देखा होगा, एक पाइप लेके आए थे हम यू पाइप के लिए। तो उसमें कुछ काम तो हुआ नहीं यार खास, क्योंकि मिस्त्री के पास अभी टाइम नहीं है। तो भाई आज भी नहीं होगा उसमें काम, कल होगा उसमें यू पाइप में काम। तो भाई आज एक बार अपने ट्रैक्टर को वॉश करा लेते हैं, और भाई रविंग होगी इसकी, और एक दो जगह से लीक हो रहा है। एक तो भाई ये यहाँ से लीक करता है ट्रैक्टर ना, मतलब यहाँ से वापसी का पाइप है, इसमें से तेल फेंकता है। ये देखो ये क्या हो रहा है। तो आज तो इसमें एक ये काम कराना, और एक इसकी ये पंप की लीक यहाँ से लीक है जाए, एक ये नई डलवानी है। बाकी तो भाई सब ओके के, और भाई इस पर रविंग होगी और वॉश होगा एक बार ही। तो भाई एक बार चलते हैं, पहले थार निकलेगा, फिर 855, फिर अपना 63 निकलेगा। और आज इसका एक बार थोड़ा तेल और खोल लेते हैं, वहाँ से आए थे ना घर से, तब इसका तेल बंद करके आए थे बिल्कुल। एक बार इसका तेल और खोल ले, आज इनकी टेस्टिंग लेके देखेंगे दोनों ट्रैक्टरों की हैरों पे, इसलिए एक बार इसका तेल वेल खोल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे वीडियो में। तो भाई एक बार नहीं सुबह तो पानी बत जा रहे हैं, हम चलते हैं एक बार ट्रैक्टर लेके, पहले 855 निकलेगा फिर अपना निकलेगा। तो भाई मिलते हैं एक बार। तो भाई 855 भाई निकाल रहे हैं ट्रैक्टर को, तो मैं भाई 63 को निकालूंगा। तो एक बार निकाल लेते हैं फिर मिलते हैं आगे। तो भाई दुकान पे आ गए हैं, जहाँ पे पंप में काम करवाएंगे अपना, सीट डलवानी है पंप में। तो भाई ये रही दुकान। लीक ज़्यादा ही हो रहा है, देखो भाई इसमें तेल भी आ रहा है। एक ये काम कराना है, और एक इसका काम कराना है सील का। भाई अभी मिस्त्री तो आया नहीं है, इसलिए पहले इसमें एक ये काम तो बाद में करेंगे, पहले रविंग करवा लेते हैं एक बार जाके, उसके बाद ये काम होगा इसमें पंप वाला। तो भाई चलते हैं रविंग वाले के पास, पहले रविंग करा लेते हैं एक बार। तो भाई चलते हैं ट्रैक्टर लेके रविंग वाले के पास। तो भाई रविंग के दुकान पे आ गए हैं, पहले ट्रैक्टर वॉश होगा एक बार, फिर रविंग होगी जाके। और भाई ठीक है भाई, तो करा दे यार काम जल्दी। ला दिए देखो ना क्या था, अल्लाह ला गया बाल्टी बोल्टी। वो भाई रविंग का काम तो स्टार्ट हो गया, ये लग रहा भाई रविंग में। तो भाई ट्रैक्टर को ही छोड़ के जा रहे हैं, एक बार कुछ खाया है, कुछ खा पी के आते हैं फिर देखेंगे आगे। तो भाई खाना पीना हो गया, चलते हैं एक बार। देखो भाई पाउडर देखो, देखते हैं भाई कैसी लुक आएगी। भाई ये निशान नहीं जाएगा, जो जहाँ बैटरी फट गई थी ना एक बार हमारे ट्रैक्टर की बैटरी फट गई, यहाँ पे शीट से लग गई थी भाई, ये नहीं। और भाई देखते हैं एक बार रविंग करवा के, जाते हैं नहीं जाते। मोटर सा तो कर दिया साफ, ये आ गई मशीन रविंग की, और ये भाई के हाथ में वो पता नहीं क्या लगाएगा, ये क्रीम सी ये लगा दी भाई क्रीम आज ट्रैक्टर में। अरे आज मखमल का होगा, मखमल तेनू पाछे काट दे बड़ता आदमी, पलवल ट्रैक्टर है यार, पलवल से स्पेशल।
तो भाई रविंग स्टार्ट कर दिए, यहाँ से देखो और साइड में से देखो कितना फर्क है। आगे की लुक चेक करो और पीछे की देखो साइड की। रविंग का फायदा एकदम नया निकल गया। ग्लेंडर में डोरी आ गई इसकी लाइट की। भाई डोरी टूट गई इसकी। किस चीज का यार? 100 की लाइट पड़ा इसकी। तो भाई सोनू भाई अपनी बाइक को धोते हुए भाई एक नंबर बुलेट बना रखी है भाई ने। 19 मॉडल है ये, लुक एक नंबर की। ट्रैक्टर का काम बहुत चल रहा भाई पीछे। सोनू भाई की मेहनत मेहनत किंग इसका तो पानी इसका नहीं, बिल इसका नहीं, शैम्पू इसका नहीं। सही है भाई। तो भाई ये डेंटिंग और निकलवा रहे हैं एक बार ना। ये मुड़ गई थी पता नहीं कैसे मुड़ी है, एक बार इसको निकलवा लेते हैं। काम भाई पूरा होगा ट्रैक्टर में, जो जो छोटी मोटी जो भी कुछ भी कमी है सब कुछ। भाई जुगाड़ देखो क्या जुगाड़ है, क्या जुगाड़ है सोनू? ये चल ठीक है, पहले से तो ठीक हो गया लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ हो गया यहाँ से ना, थोड़ी अंदर की तरफ हो गया नया। ये पाइप कल खोलेंगे इसका, कल की बोल रहा है मिस्त्री। छोटे छोटे काम भी ना एकदम बिल्कुल नया निकाल देंगे टेप। ये देखो भाई आगे चमक देखो, धूप में एक नंबर की चमक आ रही है। तो भाई नीचे भाई भी आ गया, पानीपत गए थे वापस आ गए। पहले तो है फर्क, अब और ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो भाई 20-25 मिनट का काम हो रह गया भाई, और अपना ट्रैक्टर। तो भाई काम हुआ कंप्लीट रविंग का, देखो भाई लुक चेक करो, बिल्कुल एकदम नया निकल गया। हाँ भाई सोनू एक नंबर। तो भाई एक नंबर का हो गया काम। तो बाकी अब चलते हैं पंप वाले के पास, इसमें सील और डलानी है, फिर लीकेज वीकेज भी रुक जाएगी इसकी, सब कुछ ओके, एक रिपोर्ट हो जाएगा एकदम। मुन्ना मुन्ना नहीं है भाई, शेरा है। भाई देखो एकदम शीशा सा हो गया ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की सो। तो भाई काम हो गया, चलते हैं यहाँ से, अब चलते हैं सीधा पंप के
पंप करवाने। तो भाई पंप वाली दुकान पे आ गए हैं, एक बार अब सील डलवा ले पंप की। तो भाई काम स्टार्ट कर दिया है मिस्त्री ने, कह रहा है 1.5 घंटे लग जाएंगे, 1.5 घंटे। अगर कोई ना जल्दी कर दो पर थोड़ी सी। तो भाई पंप खोलने लगे हैं मिस्त्री, ये खोल दिया पंप। देखते हैं भाई इसकी टाइमिंग में दिक्कत आती है टाइमिंग करने में, बोल तो रहा मिस्त्री करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी और देखते हैं करवा के एक बार। क्योंकि भाई पंजाब से सेट हो रहा है पंप। तो भाई फाइनली पंप तो खुल गया, 1 घंटा लग गया भाई पंप खुलने में। ये है जो लीकेज हो रही है यहाँ से, बाकी भाई मेन बात है टाइमिंग की, टाइमिंग सही मिलनी चाहिए। तो भाई ये सील है जो लीक हो रही थी, ये अंदर वाली सील है, बाहर की तो भाई बाहर वाली ठीक थी, अंदर वाली लीक है। इसे डलते ओके की रिपोर्ट है भाई, फिर कहीं से लीकेज नहीं है बस। एक वापसी पाइप की और दिक्कत है, वो और देखते हैं उसका क्या वो बनेगा। मिस्त्री 1/2 घंटे की बोल रहा है, कह रहा है 1/2 घंटे में फिट करके दे दूंगा, मैं कहा चलो ठीक है। तो भाई पंप तो फिट कर दिया, सील भी लगा के अब ट्रैक्टर में फिट करेंगे। एक बार साफ सफाई सी कर रहे हैं जहाँ पे पंप लगेगा, बाकी ओके की रिपोर्ट है, अब तो लीक नहीं होना चाहिए। और भाई चेक करके देखेंगे एक बार, बस मेन बात है टाइमिंग की, वो भी पता चल जाएगा भाई टाइमिंग की क्या होगा क्या नहीं। स्टार्ट हो गए, तो भाई पंप का काम हो गया एकदम ओके। लीकेज देखते हैं 1-2 दिन में पता चलेगी, अगर लीक होगा तो करेंगे बात, तो मिस्त्री कह रहा है कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार भाई रेस मार के देखते हैं सर। भाई ट्रैक्टर तो जा रहा है सोनू के घर, क्योंकि इसमें कल यू पाइप का काम होगा, तो कटिंग वटिंग इसका जो भी काम है वो, इसलिए सोनू अपने घर लेके जा रहा है ट्रैक्टर को। तो भाई हम चलते हैं घर की तरफ। रॉन्ग साइड में किसी ने उड़ा होगा, जो आओ रॉन्ग साइड में था उड़ा होगा कोई से ना। चल भाई हो डले जा, ला भाई ताली कर, चेक लोग चेक कर। अरे कोकड़ा था झटका अपना को।